विधानसभा चुनाव नजदीक आने के साथ ही कांग्रेस और भाजपा के नेता अपने एक एक कार्यकर्ताओं पर पैनी नजर जमाए हुए हैं। इसी का परिणाम है कि 17 अगस्त को भाजपा द्वारा आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में बुढ़िया गांव के सरपंच लखन बघेल मंत्री रामकिशोर नानो कावरे के साथ भाजपा का गमछा पहने हुए नजर आए, तो वही अगले ही दिन 18 अगस्त को कांग्रेस का गमछा डालकर पूर्व विधायक मधु भगत और ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष प्रमोद ठाकरे के साथ दिखाई दिए। हालांकि इसके पीछे उनकी क्या मजबूरी है यह तो स्पष्ट नहीं हो पाया, लेकिन जैसे ही कांग्रेस नेता और पूर्व विधायक मधु भगत को इस बात की जानकारी लगी, उन्होंने तत्काल सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ताओं के माध्यम से उनकी पुनः कांग्रेस में वापसी करा दी है। इस मौके पर पवार समाज के नगरवाड़ा सर्किल अध्यक्ष एवं जनपद सदस्य दीपचंद ठाकरे, परसवाड़ा सर्किल अध्यक्ष एवं जिला पंचायत सभापति टामेश्वर पटेल प्रमुख रूप से मौजूद रहे। सरपंच लखन बघेल ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा है कि उन्होंने भाजपा की सदस्यता ग्रहण नहीं की, बल्कि एक घटनाक्रम को लेकर वे मंत्री कावरे से मिलने बालाघाट पहुँचे थे, जहाँ पर वे कार्यकर्ता सम्मेलन में मौजूद थे। इसी दौरान अन्य लोगों के साथ उनके गले में भाजपा का गमछा डाल दिया गया और फोटो वायरल कर दी गई। उन्होंने इसे औपचारिक घटना बताते हुए भाजपा की सदस्यता ग्रहण करने जैसे दावों को भ्रामक और गलत प्रचार बताया है। साथ ही उन्होंने हमेशा से ही पूर्व विधायक मधु भगत और कांग्रेस के साथ होने का दावा किया। कल एक सार्वजनिक विवाद चल रहा था ग्राम गुड्डी में, उस मामले को लेकर हम लामटा थाना गए थे और लामठा थाला से होकर के फिर हम लोग बालाघाट गए थे। वहाँ चूँकि मंत्री जी का कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम में हमारे गांव के वरिष्ठ क्षीरसागर जी भी थे, तो उनको लामठा थाने की जानकारी देना था। उसके बाद मंत्री जी को उस बात को अवगत भी कराना था, चूँकि एसपी साहब के यहाँ भी कंप्लेंट करे थे, SDM साहब के यहाँ भी उन लोगों ने। इस वजह से मैं वहाँ गया हुआ था, हम लोग बाहर बैठे थे। बाहर बैठते ही एक दुपट्टा जो होता है उनके पार्टी का, वो सारे लोगों को गले में डालते डालते आया, तो वहाँ पर मैं भी मना नहीं कर पाया, दुपट्टा को एकदम से अलग कर दो, मेरे को मत डालो कह के, तो मुझे भी डाल दिया गया था। उसके बाद हम मंत्री जी से मिलने मंच पर गए थे और मंच पर गए जा कर के हमने अपनी जो भी समस्या थी हमारे ग्राम की, सरपंच होने के नाते मुझे सभी के साथ आना जाना पड़ता है और मैं जनता के साथ रहता हूँ, तो उस नाते से हम मंच पर गए थे और मंच पर जाके माननीय मंत्री जी से को हमने सारी समस्या से अवगत कराए, तो उस समस्या का उनने समाधान भी किया और समाधान के बाद जो मेरी फ़ोटो गलत तरीके से खींचकर वायरल की गई कि भारतीय जनता पार्टी में लखन बघेल सरपंच ने ज्वाइनिंग दिया, तो ये गलत बात है ना। मंत्री जी ने भी मुझे ज्वाइनिंग करने के लिए वहाँ बुलाया था, ना मैं वहाँ ज्वाइन देने गया था, ये सच है। और ऐसा मैसेज फैलाकर राजनीति को कहीं ना कहीं गंदी करने का प्रयास कर रहे हैं और मेरा भी गलत प्रचार हो रहा है उसमें, इसलिए मैं सभी से निवेदन करना चाहूँगा कि मेरा और माननीय मधु भैया का गलत प्रयोग कर समाज में हमारी छवि खराब ना करें। और तामेश्वर पटेल जी जिला पंचायत सदस्य, इनसे भी मेरा निवेदन है, और ब्लॉक अध्यक्ष प्रमोद ठाकरे जी, हमारे वरिष्ठ दीपचंद ठाकरे जी, आप सभी हम सर्कल के अध्यक्ष हैं और समाज पवार समाज के सर्कल के अध्यक्ष हैं और हम समाज के लिए भी काम करते हैं, हम किसी पार्टी के लिए ऐसा काम नहीं करते हैं। और कल जो घटना हुई मेरे साथ, ये घटना गलत है और गलत फैमिली का शिकार है, इस पर ज़्यादा कोई भी ध्यान आकर्षित ना करें।